कहते हैं कि नियमित आहार, नियमित आहार का मतलब क्या है? जी नियमित आहार कह रहे हैं भगवान, जो नियमित आहार करता है। या एक बात सिर्फ समझो, तुम लोग जानते हो कि 5 किलो रोटी खा लिया या पराठे और दही खा लिया कहा नियमित हो गया आहार। मक्के की रोटी और साग खा लिया, सरसों का साग नियमित हरा हो गया, यह नियमित हरा नहीं है। जो कुछ भी तुम बाहर से अंदर ले जा रहे हो वह आहार है। रोज जो जो कुछ भी नियमित रूप से ले जा रहा है बाहर से अंदर, इस अंदर तुम ढुका रहे हो, वह आहार है। 5 किलो भोजन ही नहीं है, आंख से तू आहार ले रहा है, नाक से आहार ले रहा है, मुंह से आहार ले रहा है, वाणी से आहार ले रहा है, कान से आहार ले रहा है, त्वचा से आहार ले रहा है, स्पर्श से भी आहार ले रहा है ना, ये सब से आहार ले रहा है। लेकिन अभी तक हमारे साधु लोग भी महात्मा लोग भी यही वर्णन किए हैं, कहते हैं हम लोग तुम जाएगा, हम लोग देखते हैं हम सोपाकी हैं, मैंने हम दूसरे के बनाया हुआ नहीं खाते हैं। हम भी कहते हैं तो हम कभी मजाक में कह देते हैं बाबा हम पर पाकी हैं, तू सोपाकी है बनाओ हमारे लिए भी बना दो, हम तो पर पाकी हैं। लेकिन उन लोग यहाँ देखेगा टीवी बज रहा है, मोबाइल फोन से बातें हो रही, मोबाइल पर गाने सुन रहे हैं, मोबाइल पर भी आजकल देख रहे हैं टीवी। अब बताओ वह स्वपाकी हुए? आखिर मोबाइल जो तुम टीवी देख रहा है उसमें तो भोजन ग्रहण कर रहा है ना आंख से, मोबाइल पर तुम बात कर रहा है, खेल कर रहा है, उसमें आखिर संगीत सुन रहा है तो बात हार ले रहा है ना। और इस हार से वह हार बड़ा खतरनाक है। तुम समझा कि नहीं मैं शराब नहीं लेता हूँ, मांस नहीं लेता, मदिरा नहीं लेता हूँ, सोपाकी हूँ, मैं पवित्र हो गया हूँ, लेकिन यह बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आहार तो ले रहा है। यह बात हम कई लोगों से अर्थ किए तो बहुत बाबा लोग भड़कने लगे, नहीं सोचो नियमित आहार भगवान कृष्ण कह रहा है, सारे इंद्रियों से तू आहार ले रहा है, केवल मुँह वाले आहार को क्यों कह रहा है कि सोपाकी कर लिया बच गया। हम लोग अजाने और अनजाने गंदी किताबें पढ़ने लगते हैं या गंदा पेपर कुछ हम लोग बार बार पलटते रहते हैं, यह नियम बाहर आहार गड़बड़ हो गया तुम्हारा, इसलिए पुस्तक दिया गया है। घर में अच्छी अच्छी पुस्तकें रखो, नहीं भी पढ़ना है तो रखो, कभी जब खाली समय आ जाता है गंदा बात करने से, लोगों से कुछ आलतू फालतू बात करने से अच्छा है उस किताब को निकाल कर पलटो, आहार भोजन तो करो। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि पूजा पाठ से उठने के बाद सुबह जब नाश्ता लेता है तब कुछ किताब का अध्ययन करो, अच्छी किताब रखो, उसका दो चार पन्ना पलटो, वह भी अपने आहार में इसको भी सम्मिलित कर लो। लेकिन उसको तो आहार में सम्मिलित नहीं करता है, खाली चाय बिस्कुट ही करता है, उसकी व्यवस्था खूब कर रहा है ट्रक पलाद, लेकिन यह नहीं लाद रहा है ना, ये भी कुछ लाद दो, किताबें पुस्तकें भी कुछ भेजो।